अंतस की धारा में थोड़ी देर मौन हो जाइए। आंसू ना होते आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से ही, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। भीतर झांकना, कैसा फील कर रहे हो? अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है कि इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। याद रखना, तीन कारणों से आपके पीछे लोग आपकी बुराई करते हैं। एक वो जो आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते, एक वो जो उन्हें नहीं मिला जो आपको मिला है, तीसरा वो जो आपको कॉपी करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते। तो इन तीन कारणों से लोगों को लगता है हम इसके जैसा तो नहीं कर पाते, पर इसकी बुराई करके हम इसको नीचे गिरा देंगे। पर ध्यान रखना, वास्तव में जो इंसान किसी के बारे में बुरा सोचता है उसके जीवन में अच्छाई लौट कर आ ही नहीं सकती। किसी की बुराई तराश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत बदन को छोड़कर केवल जख्मों पर बैठती है। कई लोगों को लगता है हम किसी के पीछे किसी को बोल देते हैं उसे पता नहीं चलेगा, लेकिन आज कुछ भी सीक्रेट नहीं रहता। आप किसी को बोलोगे कि बहुत सीक्रेट है, किसी को बताना नहीं, प्रॉमिस कर। किसी को बताना नहीं वो इंसान उतना ही दूसरों को बताएगा। तो जो लोग पीठ पीछे दूसरे की बुराई करते हैं वो लोग जिंदगी में कभी भी किसी का विश्वास हासिल नहीं कर सकते। दूसरा उन लोगों की कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। लोग कहते हैं ऐसे इंसानों से दूर रहा जाए तो अच्छा है, ऐसे लोगों से कोई संबंध नहीं बनाना चाहता, क्योंकि ऐसे लोगों का स्वभाव होता है कि वो आपके सामने आपकी प्रशंसा करेंगे और दूसरे की बुराई करेंगे ताकि आप भी दूसरों की बुराई कर सके। पर सावधान रहना, तो ऐसे लोग जो दूसरे की निंदा करते हैं आप उनके साथ बात कम से कम कीजिए। इससे आपके जीवन में अष्टांग योग साधना का प्रथम सोपान शौच यानी शुद्धि पवित्रता। जितना आपके जीवन में व्यर्थ की बातें गिरेंगी उतना ही आप भगवत गीता को समझ पाएंगे और पवित्रता प्रकट होगी। अभी तक भगवान कृष्ण मित्र गुरु के रूप में बात कर रहे थे, इस अध्याय में भगवान भगवान होकर बात कर रहे हैं। यहां अर्जुन को यह दुविधा हो रही है कि ज्ञान से सन्यास से योग की तरफ जाया जाता है, लेकिन भगवान ने तो कर्म योग बताया, वो कहीं मुझे युद्ध करने के लिए प्रेरित करने के लिए कुछ नया तो नहीं कहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैंने इस पुरातन अविनाशी कर्म योग को काल के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत से कहा जागे रहना। वैवस्वत ने आगे जाकर मनु से कहा। मन ने इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु ने यह परंपरा राज ऋषियों को दी। उसके बाद यह योग विलुप्त हो गया। यह सुनकर तो अर्जुन और भी दुविधा में आ गया। अभी तो वह भगवान को वासुदेव कृष्ण के रूप में देख रहा था, परमात्मा के रूप में नहीं। तब भगवान अर्जुन को यानी हमें हमारे दृष्टिकोण के अनुसार समझाते हैं कि मैंने यह अविनाशी कर्मयोग निष्काम राग द्वेष रहित अहंकार रहित और समष्टि के कल्याण के लिए कर्म सूर्य को समझाया। ध्यान से समझना इसे, यानी ईश्वरीय चेतना के महासागर से एक बूंद निकलकर कर्मयोग के अधीन होकर हमारी आत्मा बनती है। यह सूर्य आत्मा का प्रतीक है। अब सूर्य ने समझाया अपने पुत्र वैवस्वत को, यानी जैसे ये आत्मा शरीर में आती है, यानी वैवस्वत यानी आत्मा की ऊर्जा से इस शरीर का निर्माण अपने आप होने लगता है। इसके बाद वैवस्वत ने
मनु से कहा। यानी अब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का निर्माण होता है। अब यह योग इक्ष्वाकु वंश तक पहुंचा, यानी प्रज्ञा, जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कर्मयोग के अधीन कार्य करते हैं तो प्रज्ञा प्रकट होती है, और प्रज्ञा के आधार पर जो मनुष्य जीता है वह राजऋषि बन जाता है, अर्थात वह अपने मन और इंद्रियों का राजा बन जाता है। वह इस पूरे कर्मयोग को व्यवस्थित रूप से जानता है, लेकिन हुआ क्या? लेकिन मनुष्य अपने मन और इंद्रियों का गुलाम हो गया और अपनी ऊर्जा और परमात्मपने को भूल गया, पतित हो गया। अब करना क्या है? हमें संयम के माध्यम से अपने मन और इंद्रियों का मालिक बनना है और अपने परमात्म स्वरूप का स्मरण करना है, यानी सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना है। ये सब तुम्हें कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग सिखाएगा। जैसे ही तुम ये सब करते हो तो प्रज्ञा का जन्म होता है, और जैसे ही तुम में प्रज्ञा का जन्म होगा तुम्हारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार निर्मल होगा। परिणाम स्वरूप तुम स्वयं की ऊर्जा को अनुभूत कर पाओगे। इसके पश्चात ही तुम्हारा आत्मा और चेतना के महासागर से मिलन होगा। ध्यान साधना और योग मन में संयम लाने और योग का कार्य करेगा। वास्तव में अंतस ध्यान हमारी ऊर्जा के स्तर को बढ़ाएगा और इसी से अंतःकरण निर्मल होगा, प्रज्ञा निखरेगी तथा मन और इंद्रियों पर संयम आएगा और तुम्हें अपने आप का अनुभव होगा, स्वयं का, स्वयं से। यही अंतस्तारा। ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ रहने वाला है, अच्छा भी रहेगा, बुरा भी। बाहर कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, कभी धूप, कभी छांव, भीतर भी सब कुछ रहने वाला है। लेकिन जो बाहर और भीतर अच्छे अच्छे का चुनाव कर लेता है वही अंतस्तारा ही है। जो बाहर भीतर बुरे बुरे का चुनाव करता है वह इस धारा के रहस्यों को नहीं समझ पाएगा। तुम अपना निश्चय स्वयं रखना, आप कहा, क्योंकि किसी को धार्मिक नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी को अधार्मिक बनाया जा सकता है। लेकिन तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त की जो भी अवस्था है उसके आधार पर तुम स्वयं चुनाव करते हो। सत्संग, ध्यान तुम्हारे मन, बुद्धि, चित्त पर कार्य करता है ताकि तुम अच्छे अच्छे का चुनाव कर सको और बुरे बुरे को हटा सको। ध्यान सिर्फ तुम्हें आधार दे सकता है। चुनाव करते हुए तुम स्वयं मालिक हो जाते हो, और जब भी चुनाव करने का समय आएगा तुम्हें ही चुनाव करना होगा। ध्यान धारा बस तुम्हारे मन को तैयार करेगी चुनाव के लिए, बाकी तुम वही सुनते हो जैसा तुम्हारी बुद्धि है, चित्त है। आप कुछ भी कर रहे हो, सुन रहे हो, बस कर्तापने के प्रति सजग हो जाओ तो तुम कर्मयोग में आ गए। चाहे भीतर कोई भी विचार चल रहा है तुम साक्षी बनकर देखिए। इसीलिए तुम्हें अपने चित्त का रूपांतरण करना है, और इस रूपांतरण के लिए अंतस की धारा आपकी मदद करेगी। और जैसे जैसे तुम अच्छे का चुनाव करोगे वैसे वैसे तुम सुखद, आनंदित होते चले जाओगे। भगवद गीता भी यही समझाने की कोशिश में है कि कर्म योग में बाधक तत्व कौन से हैं, कर्म योग क्यों नहीं हो पा रहा, जबकि कोई भी मनुष्य पैदा होने से लेकर मरने तक कर्म योग के बगैर नहीं जी सकता। लेकिन कर्म के साथ साथ योग सदना चाहिए, योग मीन्स मिलन, परमात्मा के साथ एकात्मता सदनी चाहिए, लेकिन एकात्मता नहीं होती, इसका कारण क्या है? ध्यान से समझिए, इसका कुछ कारण है कि कर्म करते हुए भी योग क्यों नहीं साधा जा रहा। इसके चार प्रमुख कारण हैं। पहला, क्योंकि कर्म में कामना है, फल की इच्छा है। दूसरा, कर्म करते हुए राग और द्वेष का भाव है, तुम्हें लगता है कि उससे मुझे सुख या दुख लगता है। तीसरा, कर्म करते हो तो कर्तापने का जबरदस्त अहंकार है कि मैं ही कर सकती हूँ ये काम, इसीलिए योग नहीं सकता। चौथा, तुम कर्म तो करते हो लेकिन उसमें दूसरे के कल्याण का लक्ष्य नहीं होता। बहुत गहरी बात है ये, दूसरे के हित का तो लक्ष्य हो सकता है लेकिन कल्याण का नहीं। तुम किसी को कुछ भी देते हो, खाना, कपड़े, लेकिन ये कर्मयोग नहीं हुआ। हो सकता है तुमने यहां पहली शर्त पूरी की कि तुम्हें भीतर से कोई कामना नहीं, हो सकता है तुम्हें राग द्वेष भी ना हो, तीसरी शर्त भी तुम्हारी पूरी हुई हो कि तुम्हें कर्तापने का भी अभाव है। लेकिन ध्यान रखना, चौथी शर्त तुम्हारी पूरी नहीं होती। तुम उसके कल्याण के लिए नहीं, कल्याण यानी जिस कार्य के लिए तुम पैदा हुए हो, अपनी रिमेम्बरेंस।
मनुष्य जीवन में तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा जाता है वह कार्य में तुम मदद नहीं कर रहे हो, इसीलिए हित किया लेकिन कल्याण नहीं हुआ, इसीलिए वास्तव में कर्मयोग नहीं होता। इसको हमेशा ध्यान रखना कि हित और कल्याण में बहुत फर्क है। यहाँ भगवान कृष्णा यही बता रहे हैं, हित यानी शुभ कर्म तुम पुण्य कर्म से बांध रहे हो लेकिन ये कर्मयोग नहीं हुआ, क्योंकि इसमें कर्मयोग की चौथी भूमिका नहीं होती। जहाँ आत्मा को मुख्य किया जाता है, जहाँ स्वयं को मुख्य किया जाता है, जहाँ स्वयं का उघाड़ किया जाता है, अंतस में कुछ कुछ होता है। परमात्मा स्वरूप को मुख्य किया जाता है, उन वाइब्रेशंस को, उस वेदना को। वहां तुम कुछ भी करते हो तो तुम जाने और अनजाने में समष्टि और कल्याण के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने लिए नहीं। तो समझ लेना कि तुम्हारा कर्मयोग उतना नहीं सद रहा। जागे रहना। यदि आप उन चीजों के एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हो जो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। जागे रहना। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं। सपने वो हैं जो हमको नींद नहीं आने देते। ऐसा ही है अंतस का विचार, स्वयं की खोज तलाश।